हरे कृष्णा। तो आज हम सवाल लेने वाले हैं कि अगर कोई भगवान को मानने वाला हो, वो गलत काम करे तो उसको माफ कर दिया जाता है, और दूसरी तरफ भले ही कोई नास्तिक हो लेकिन वो अच्छा काम करे तो उसको कहते हैं, तू तो असुर है, तू तो असुर है। ऐसा क्यों भाई? अच्छे काम तो कर रहा है वो, तो भला इस बात को कैसे समझें कि एक नास्तिक है जो अच्छे काम करता है वो बेटर है, या वो व्यक्ति जो कि गलत काम कर बैठा है लेकिन भगवान को मानता है, पश्चाताप कर रहा है, वो बेटर है? किसको भला बेहतर मानना चाहिए? देखिए, अल्टीमेटली हमें ये बात समझनी चाहिए कि हम सब भगवान से आ रहे हैं, जैसे कि हम सब अपने पिता से आते हैं। अगर कोई व्यक्ति बड़ा सोशल है, बड़ा चैरिटेबल है, लेकिन अपने पिता के प्रति बड़ा अनग्रेटफुल है, पिता से जो है बदतमीजी से बात करता है, पिता से दूर दूर रहता है, पिता को इज्जत नहीं देता, सम्मान नहीं देता, तो ऐसा व्यक्ति जो है क्या हम उसका उसको थोड़ा सम्मान दें, हम उसकी थोड़ी तारीफ करें, लेकिन कहेंगे तो अपने पिताजी की तारीफ नहीं करता, तो अपने पिताजी को इज्जत नहीं देता? जिस पिता ने तेरे को पढ़ाया लिखाया, परवरिश दी, तेरे को इस लायक बनाया कि यार तू ये चैरिटेबल काम करता है, तो उस भगवान के लिए, उस पिता के लिए तेरे मन में कोई कोई सम्मान नहीं है? तो इस तरह से अगर कोई नास्तिक है, उसके पास भले ही सब कुछ हो, उसको ये समझना चाहिए कि ये सब कुछ आया तो भगवान की दया से ही है, भले उस बात को नहीं मानता और वो अनग्रेटफुल है। तो इसलिए अगर वो भगवान को नहीं मानता तो उसका चैरिटेबल होना भी इनकम्प्लीट है। वाई? बिकॉज वन हु इज गिविंग हिम एवरीथिंग, उस व्यक्ति ने जिसने कि उसको सशक्त बनाया कि वो आज ये अच्छे कार्य कर सके, वो आज उसको भूल गया है। तो इसलिए कोई व्यक्ति चाहे कितना अच्छा हो लेकिन अपने पिता से दूर रहेगा तो निश्चित रूप से वो उसके लिए भी इतना शुभ नहीं होगा। दूसरी तरफ अगर एक ऐसा व्यक्ति है जो कि भगवान को मानता है लेकिन हाँ जाने अनजाने में ना चाहते हुए ऐसे काम कर बैठता है जो कि उसको नहीं करने चाहिए, तो हुआ क्या कि थोड़े समय बाद भगवान की दया से उसके अंदर की सारी जो गंदी भावनाएं हैं, गलत भावनाएं हैं, ये चली जाएंगी। जैसे एक बार एक व्यक्ति था, वो चोर था, और चोर के रूप में था तो पुलिस के पीछे पड़ी हुई थी ना, ये स्कॉटलैंड की बात है, तो स्कॉटलैंड यार्ड या जो पुलिसमैन थे उसके पीछे पड़े हुए थे, तो भागते भागते इसका पीछा करते कराते ये हुआ क्या, ये इंडिया में आ गया, और इंडिया में इसने क्या किया, अपने आप को छुपाने के लिए एक मंदिर की जाकर अंदर जाकर छुप गया, और वहाँ वो भक्तों के साथ रहने लगा। आज वो भक्तों के साथ रहने लगा तो भक्तों के जो कार्यकलाप होते हैं, जो उनकी दिनचर्या होती है, उसको फॉलो करने लगा। अब पुलिस वाले थे, उसको ढूंढ रहे थे, नहीं मिले, तो जब चोर नहीं मिला तो वापस चले गए। तो अब ये पुलिस, अभी जो चोर था, ये सोचने लगा कि पुलिस वाले मेरे को पकड़ तो नहीं पाए। एंड देन ही वाज विद डिवोटीज फॉलोइंग रेगुलर प्रिंसिपल्स, चैंटिंग द होली नेम्स ऑफ द लॉर्ड, भगवान का नाम लेता था, भगवद्गीता पढ़ता था, सुनता था, सुनाता था। तो क्योंकि वो भगवान की उपासना कर रहा था, हालांकि उसने गलत काम किए थे, तो भगवान की पूजा करते करते, भक्ति करते करते उसके मन में आया कि मैं रहा तो गलत व्यक्ति हूँ ना, और मैं पुलिस से भागा हुआ। तो ये व्यक्ति अपने गुरु के पास गया, इसने कहा, गुरुदेव मैं ना असल में एक अच्छा आदमी नहीं रहा, मैं तो एक क्रिमिनल था, और मैं छुपते छुपाते भक्तों के बीच में आ गया, और अब मैं भक्ति बन गया हूँ, तो मुझे क्या करना चाहिए, क्या मुझे पुलिस के पास जाना चाहिए, यहाँ छुपे रहना चाहिए? तो गुरु ने कहा, देखो क्योंकि तुमने गुनाह किया है तो तुम्हें ईमानदारी से जा करके पुलिस को सब कुछ सच सच बता देना चाहिए। तो पुलिस के पास बताया कि वो कि आप मेरी तलाश में थे, मैं छुप गया था, यू नो, लेकिन मैं अपने आप को सरेंडर करता हूँ। तो पुलिस ने पूछा, अच्छा तो तुम वहाँ करते क्या हो? तो वहाँ उसने बताया कि भाई ओके, मैं मंदिर में जाता हूँ, सुबह सुबह उठता हूँ, मंगल आरती करता हूँ, भगवान का नाम लेता हूँ, और नॉनवेज नहीं खाता हूँ, पाप के कार्य नहीं करता हूँ। तो जो जज था, माय गॉड, उसने कहा कि इतना ज़्यादा चेंज आ गया तुम्हारे अंदर, हम तुमको क्या सजा देंगे? देखो, सजा भी इसलिए दी जाती है ताकि तुम्हें सुधार आए, लेकिन भगवान की शरण में जा करके तो तुम में इतना ज़्यादा सुधार आ गया कि प्रिजन हाउस में तो इतना सुधार कभी आ ही नहीं सकता। तो इसलिए अगर कोई बुरा व्यक्ति भी है, अगर भगवान की शरण में आता है तो भगवान की दया से, भगवान की कृपा से वो एक दिन ठीक हो जाएगा। और दूसरी तरफ जो नास्तिक है, आज वो भले ही वो अच्छा अपने आप को पोर्ट्रे कर पा रहा है, लेकिन कब बुरी आदतें, बुरा संग उसको प्रभावित करेगा और वो फिर से पाप कर्म में चला जाएगा, कुछ नहीं पता। तो इसलिए जो नास्तिक है, उसका अच्छा काम करना अच्छा है, लेकिन सबसे अच्छा तो ये होता कि वो जब भगवान के प्रति ग्रेटफुल भी होता। कहा जाता है, इफ़ यू आर नॉट ग्रेटफुल देन वी आर ग्रेट फूल। तो हमें कृतज्ञ होना चाहिए उस भगवान के प्रति। कुछ लोग ऐसा ही मानते हैं कि ना भगवान को नहीं माना तो क्या हुआ, अरे भाई सच बोलो, किसी का बुरा मत करो, बस ये है और क्या, यही जिंदगी है भाई, भगवान 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 के लाग रखिए। अब देखिए, जो टेबल चेयर वगैरह भी होते हैं, ये भी किसी का बुरा नहीं करते, झूठ नहीं बोलते हैं, बल्कि अच्छा करते हैं, हमें बैठने की जगह देते हैं, और ये घर भी देखिए, दीवारें हैं, ये भी किसी का बुरा नहीं करती, बारिश होती है, धूप होती है, हमको बचाते हैं। तो क्या जिंदगी का लक्ष्य इतना ही महान बनना है जितनी कि ये निर्जीव वस्तुएं? नहीं, इतने महान होना कि झूठ ना बोलना और सबका भला करना, ये तो निर्जीव व्यक्ति भी कर लेता है, निर्जीव चीज़ें भी कर लेती हैं। तो हम तो सजीव हैं, वी आर ग्रेटर देन नॉन लिविंग, तो हमें तो इसके और आगे जाना चाहिए। ये भगवान में विश्वास नहीं कर सकते बिकॉज इनमें चेतना ही नहीं है, लेकिन हम तो कर सकते हैं ना। तो इसीलिए अगर कोई नास्तिक व्यक्ति है तो उसको वास्तव में भगवान के प्रति कृतज्ञ होना चाहिए कि जो कुछ भी आज मैं हूँ, आज जो कुछ भी अच्छा कार्य मैं आज कर पा रहा हूँ, तो इस वजह से है, क्योंकि आपकी कृपा मेरे ऊपर है प्रभु।
तो इस तरह से ग्रेटफुल रहते हुए वो ज़्यादा अच्छा व्यक्ति बन सकता है। तो इसीलिए नास्तिक होना निश्चित रूप से इतना अच्छा नहीं है बल्कि बुरा ही है, क्योंकि हम इसमें अकृतज्ञ हो रहे हैं उस परम पिता की ओर जिसने कि हमारे ऊपर इतनी कृपा की है, हमें इक्विप किया है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। हरे कृष्णा।